आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेज गति से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में कुल 10,985 नए संक्रमित प्रदेश में पाए गए हैं। हरियाणा में सबसे अधिक प्रभावित अगर कोई जिला है तो वो है दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम। गुरुग्राम में हर रोज बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए अब गुरुग्राम पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने कई बड़े फैसले किए हैं, कई बड़े कदम उठाए हैं। सबसे बड़ी अगर समस्या देखने को मिल रही है तो वो है मरीजों के बढ़ने के बाद एम्बुलेंस की कमी का होना। जी हाँ, एम्बुलेंस की कमी की वजह से कई ऐसे मरीज हैं जो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। इसे देखते हुए अब गुरुग्राम में पुलिस के 20 PCR वाहनों को एम्बुलेंस में तब्दील किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल अब संक्रमितों को अस्पताल पहुँचाने में किया जाएगा। तो ये तो एक बड़ा फैसला हुआ जिससे कि कहीं ना कहीं मरीज जो है वो समय पर अस्पताल पहुंच सके। इसके साथ आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने कई और जो फैसले हैं वो भी लिए हैं, कई और जो बदलाव हैं वो भी किए हैं। जो बड़ी बात है वो ये कि जो संक्रमित घर पर इस वक्त मौजूद हैं उन तक दवाएं पहुंचाने जैसे काम हो गए, या कोई भी जरूरी जो सामग्री है वो पहुंचाने के लिए भी जो हरियाणा पुलिस है वो कहीं ना कहीं आगे आई है। गुरुग्राम में कोई भी अगर संक्रमित है उसको जो हरियाणा पुलिस है वो 3 से 4 घंटे के अंदर दवाएँ पहुँचाने का दावा कर रही है। यानी जो टीम है वो बना ली गई है और ऐसे लोगों तक जो घर में क्वारंटाइन अपने आप को किए हुए हैं तक दवाएं या आवश्यक जो भी वस्तुएं वो दिल्ली पुलिस, माफ कीजिएगा, हरियाणा पुलिस पहुंचाने का काम करेगी। इसके साथ आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने ये भी बताया कि इसके लिए बकायदा एक नंबर भी जो है वो जारी किया गया है। नंबर है 9999999953, यानी 8 × 9 and then 53। तो ये नंबर जो है वो हरियाणा पुलिस के द्वारा गुरुग्राम में जारी किया गया है। इसके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसके अंदर जो भी कोरोना संक्रमित हैं वो अपने आप को जो है ऐड वो हो पाएंगे। उसके बाद उस ग्रुप के अंदर जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उन्हें परामर्श दिया जाएगा, जो जरूरी सलाह है वो दी जाएंगी, साथ में किसी भी और अन्य तरह की जो सुविधाएं हैं वो इस ग्रुप के द्वारा ही उन तक पहुँचाई जाएंगी। तो ये तो एक बड़ी पहल की है गुरुग्राम पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने, गुरुग्राम में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उस बीच कहीं ना कहीं कुछ राहत देने के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों को। इसके साथ आपको बता दें कि पूरे देश की तरह ही प्रदेश में भी ऑक्सीजन की किल्लत है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के कई मामले जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं। प्रदेश सरकार पहले ही हरियाणा में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य कर चुकी है, लेकिन इसे लेकर अब हरियाणा सरकार ने और सख्त रुख अपनाया है और इसे देखते हुए सरकार ने अब एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर आप अगर आपके आसपास कहीं भी आप देखते हैं कि ऑक्सीजन हो या कोई भी रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या कोई भी ऐसी कोई दवा जो कि कोरोना संक्रमित मरीज के लिए ज़रूरी है, अगर उसकी कालाबाजारी आप कहीं भी देख रहे हैं, कोई भी ऐसा मामला अगर आपके सामने है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सूचना दे पाएंगे। जी हाँ, इस नंबर पर आप सूचना देंगे, उसके बाद पुलिस उस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो फैसला है, जो बड़ा बदलाव है, आप कह लीजिए बड़ा कदम उठाया है हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ऑक्सीजन या तमाम जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी कालाबाजारी को रोकने के लिए। एक टोल फ्री नंबर है 1800 180 1314। तो अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई भी कालाबाजारी आप देख रहे हैं तो आप भी इस नंबर पर कॉल कर सूचना दे सकते हैं, ताकि उस मामले को जो है पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस की पहुंच उस मामले तक बन पाए और उस कालाबाजारी में पुलिस हस्तक्षेप कर पाए, उसे रोक पाए, और ताकि हम जो कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर हम इस जो कोरोना नामक बीमारी है इससे लड़ पाएँ, इसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई ना कोई जो आप कह लीजिए कालाबाजारी चल रही हो, कोई ब्लैक मार्केटिंग आपके सामने कोई चल रही हो। इसके साथ मैं आपसे एक ही अपील करूंगा जो लगातार कंचन टीवी आपसे पहले भी करता रहा है कि आप भी कोरोना को कहीं ना कहीं मात दे सकते हैं, आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है और बाहर निकलते वक्त आपको ये देखना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं। अगर जरूरी काम है तभी आप जाएं, अनावश्यक आप बाहर घर से ना निकलें। इसके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो के जरिए ये जो टोल फ्री नंबर वाली बात मैंने आपको बताई है ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और कहीं ना कहीं जो हरियाणा में कोरोना से हालात बन रहे हैं उसमें आप भी कहीं ना कहीं उसे लड़ने के लिए अपना योगदान जो है, अपनी भागीदारी जो है वो आप दे सकें। इसके साथ ही आपको सिर्फ इतना ही अपील करूँ कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम तरह की अपडेट्स आप हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।